हेलो गाइस, आज मैं फिर आ गए और एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग के पास। आइए मेरे साथ आज बेंगलोर का फेमस विधान सौध और बेंगलोर पैलेस देखने के लिए। आइए पहले हम लोग विधान सौध देखेंगे। देखो विधान सौध देखने के लिए कितना सुंदर लग रहा है, उसका व्यू वाव सो ब्यूटीफुल। हम लोग तो अंदर नहीं गए, अलाउ नहीं अंदर ऑफिशियल डे, इसीलिए हम लोग बाहर से देख रहे थे। बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कोई बैंगलोर आए विधान सौध नहीं देखे तो ट्रैवल कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी गए देखने के लिए। बहुत सारे लोग आए हुए। देखो पैलेस के पीछे का व्यू, वाव सच में लग रहा है जैसे इतना सुंदर सीनरी, मस्त लग रहा था। सच में बैंगलोर का क्लाइमेट अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा था। ओहे विधान सौध हम लोग पहुंच कर थोड़ा घूमे, देखे कैसे है, कैसे देख रहा है। पता है विधान सौध का एरिया 60 एकड़ में बना हुआ है। ये बैंगलोर का एक फेमस प्लेस है, और पता है वो बिल्डिंग बनाने के लिए 4 साल लगा था। 1952 से स्टार्ट हुआ, 56 में कंप्लीट हुआ। और पता है वो 5,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। वो बना हुआ है न्यू ड्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, उसके अंदर 300 रूम्स और कर्नाटक गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफिस उसके अंदर है। विधान सौध घूमने के लिए सबसे अच्छा संडे और पब्लिक हॉलीडे, उसी में आप लोग आराम से घूम पाओगे। और उसका व्यू इवनिंग में बहुत सुंदर है, उसका लाइटनिंग 6 PM से 8:30 PM तक चलता है। बहुत लोग जाते हैं सुंदर, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए। और विधानसभा के चारों तरफ सामने बहुत सुंदर सा गार्डन बनाए, नेचुरल ब्यूटी नेचुरल गार्डन बनाए इतने ही सुंदर से, और मेंटेन भी बहुत अच्छी, इतने सुंदर लग रहा था। हम लोग देखने में लग गए सच में, इतना सुंदर व्यू बेंगलोर विधान सौध का। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए, अब देखिए उसका नजारा कैसा है। विधान सौध में जाने के लिए अंदर अलाउ तो नहीं है, जाने के लिए हो तो एंट्री फ्री है, परमिशन लेना पड़ेगा उसके अंदर जाने के लिए। इतना इजी नहीं, बहुत टाइट सिक्योरिटी भी है, क्योंकि सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके अंदर ही है ना, विधान सौध के अंदर, इसीलिए उसके अंदर जाना अलाउ। किसी का जरूरत है तो वो परमिशन लेकर उसके अंदर जाकर। उसको देखकर हम लोग चले। कहाँ पर आप लोग को तो मालूम है, अभी हम बैंगलोर विधान सौध देखकर कहां पर जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ विधान सौध तो थोड़ा घूमकर आगे बैंगलोर पैलेस देखने के लिए। बैंगलोर पैलेस और उसको पैलेस म्यूजियम भी बोला जाता है, वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। वही दूर से दिखाई दे रहा है जो बिल्डिंग ना, वही है पैलेस। सामने जाकर पता चलेगा पैलेस का व्यू कैसा है। चलो मेरे साथ आप लोग भी घूमो, देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके मुझे बोलना वो पैलेस देखने में कैसा है। बैंगलोर पैलेस बनाने के लिए 4 इयर्स लग गया था। वो 1874 में स्टार्टेड हुआ, 1878 में कंप्लीट हुआ। सुंदर रिवाइवल स्टाइल आर्किटेक्चर बिल्डिंग। और हम लोग पहुंच कर अंदर गए एंट्री के पास,
टिकट काउंटर है। वही टिकट काउंटर में इंडियन को 250 और फॉरेनर्स को 500 फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं रेस्ट्रिक्टेड। हर जगह में वो मेंशन कर पैलेस म्यूजियम घूमने के लिए सुबह 10 AM से शाम 5:30 तक ओपन रहता है। वो है टिकट काउंटर और वो सामने जो डोर है ना वो है एंट्रेंस पॉइंट। वही तक थोड़ा बना दिया, उसके अंदर तो देखा नहीं पाऊंगी, वही है सामने का। फिर अंदर जाकर आप आई कार्ड देने से वो लोग ऑडियो साउंड के लिए देंगे, आप लोग उसको यूज करके वो पैलेस के अंदर जो है क्या नहीं वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और उसको घूम घूम कर हम लोग देखे, उसके बाद बाहर आकर हम लोग बेंगलोर पैलेस का व्यूज एंजॉय किए। और कितने सुंदर से वो इतने पुराना बिल्डिंग है, वो भी 4 साल लगा था बनाने के लिए, कितने अच्छे से बनाए थे वो टाइम। उसको देखने के लिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, सच में बहुत सुंदर था बेंगलोर पैलेस। और पैलेस म्यूजियम भी बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर महाराजा महारानी का सब यूज सामान, उनके कपड़े, उनके सोफे, उनके बेड, बर्तन, सब कुछ वो मेंटेन करके रख के आइए। आप लोग भी हमारे साथ देखें, एंजॉय कीजिए, कैसे लग रहा है आप लोग को। बेंगलोर पैलेस के सामने देखो कितना सुंदर सा पार्क है, इतने सुंदर नेचुरल गार्डन, बहुत अच्छे से वो प्लांट्स को कट करके डिजाइन बना के बहुत मेंटेन करके वो इतना बड़ा पार्क, बहुत अच्छा लगा देख के ग्रीनरी को। ऐसे भी बेंगलोर पैलेस का एरिया 454 एकर्स में स्प्रेड हुआ। बेंगलोर पैलेस जो 8 लफर है ना उनके लिए बहुत पसंद आएगा। 19th-20th century का जो रिमार्केबल पेंटिंग्स, 8 लफर को बहुत पसंद आएगा, वो एंजॉय करेंगे। कैसे लगा आप लोग को? ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।